बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर तैयबा फ्रॉम दायरा एकम स्कूल डी एच एंड शेरिफ ब्रांच। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट टुडे होम टास्क ऑफ क्लास प्रेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश डायरी वर्कबुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चंस यूजिंग डैट। कल हमने क्वेश्चंस यूजिंग दिस किए थे, आज हमारे हैं क्वेश्चंस यूजिंग डैट। आंसर द क्वेश्चंस बाय यूजिंग डैट इज अ एन। ओके, वट इज़ डैट, वो क्या है, वो पूछ रहे हैं। दूर से देखें डैट का हमने क्या पढ़ा था, डैट मीन्स वो, जो चीज़ हमसे दूर हो उसके लिए क्या यूज़ होता है, डैट। वट इज़ डैट, वो क्या है, डैट इज़ अ काओ, सी ओ डब्ल्यू काओ। वट इज़ डैट, अब वो पूछ रहे हैं ये क्या है, वो क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे डैट, डैट इज अ कप। वट इज डैट, डैट इज एन इग्लू। वट इज डैट, डैट इज अ काइट। ओके, नेक्स्ट डिक्टेशन वर्ड्स लिस्ट नंबर 5, सी एच आई एन चिन, सी एच आई एन चेन। टू टाइम्स हम हियर राइट करेंगे और लर्न भी करना है। एल यू एन सी एच लंच, एल यू एन सी एच लंच। रीडिंग बुक पेज नंबर 9 and 10 रिवीजन। यूज़ ऑफ दिस एंड डैट, आपने पेज नंबर 9 and 10 दिस एंड डैट कंप्लीट रिवीजन करनी है और रीडिंग भी करनी है अगेन। ओके, नेक्स्ट उर्दू रीडिंग बुक पेज नंबर 25। आज का हमारा उर्दू का टॉपिक है वहद जमा। वहद क्या होते हैं, एक चीज़ को हम वहद कहते हैं जबकि एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। चलें आइए मिलकर पढ़ते हैं। ये बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा हेबड़िए है, ये बाजा है, ये एक है ना, ये क्या है, वहद। वह है वो बे अलिफ बा जीम बड़िए जे, बाजे वो बाजे है, ये है नुनगुना है, वो बाजे हैं, ये एक से ज़्यादा है, ये क्या है, जमा। एक चीज़ होगी तो वाहद, दो चीज़ें होंगी तो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो जमा। ये ताला है, वो ताले हैं, ये पाना है, वो पाने हैं, ये पौधा है, वो पौधे हैं, ये मुर्गा है, वो मुर्गे हैं। अब मुझे बताएं वाहिद क्या होते हैं, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं जबकि एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। ओके, अब आपने अच्छे से रीडिंग करनी है फुल पेज की और मज़ीद इससे वाहिद और जमा मज़ीद बनाने हैं। आपके घर में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उनको देख के बनाएं, कोई एक चीज़ होगी तो वो वाहिद होगी और जो उसके ज़्यादा मिलकर बनाएं, जैसे सोफ़ा सोफ़े, पेंसिल पेंसिलें, किताब किताबें, बन रहे हैं ना इस तरह। तो जो एक चीज़ है वो वाहिद और जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो जमा होंगी। उर्दू वर्ड बुक पेज नंबर 27, वाहिद जमा। दी गई तस्वीर की मदद से वाहिद और जमा लिखें, बाजा, अब इसका जमा क्या होंगे, हाँ जी बाजे, बे अलिफ बा जीम बड़िए जे, बाजे, ताला ताले, पाना पाने, पौधा पौधे, मुर्गा मुर्गे। मैथ्स वर्डबुक पेज नंबर 26 and 27 half। एडिशन ऑन नंबर लाइन, ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है आज, नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन करने हैं अब। दिस इज़ अ नंबर लाइन, इट हेल्प्स अस टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, एग्जांपल, अली हैज़ टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ़ ही नीड्स मोर बटन। अगर अली को ज़्यादा बटन चाहिए तो वो लेफ्ट से राइट जंप करेगा, ठीक है। इफ़ अली हैज़ सिक्स बटन्स एंड ही नीड्स 3 मोर, देन ही हैज़ टू मूव स्टेप्स राइट एंड फाइनली ही गेट्स 9 बटन। देखें अली के पास 6 बटन्स हैं। ओके, लुक एट हियर, अली 3
वो सिक्स से कितनी जंप्स लगाएगा? थ्री जंप्स, वन टू थ्री, थ्री के नीचे क्या आंसर आया उसका? नाइन। अगर उसको इसके पास थ्री बटन्स हैं, सिक्स बटन्स हैं, उसको थ्री मोर चाहिए, तो वो सिक्स से थ्री जंप्स करेगा। सिक्स से थ्री जंप्स की ही तो कितने बटन्स हो गए? नाइन बटन्स। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अली के पास टू बटन्स हैं, कितने बटन्स हैं? टू। पुट योर फिंगर, पुट योर पेंसिल हेयर। अब उसको कितने चाहिए? और फाइव। तो हम कितने जंप्स लगाएंगे? फाइव जंप्स, वन टू थ्री फोर फाइव। ये हमारा हेड है और ये हमारी टेल। हेड के नीचे हमारा क्या आंसर आया? सेवन, सेवन। ओके, इस तरह आपको मैं एग्जांपल्स के लिए आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगी, आप उस वीडियो से अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, आपने ये हाफ पेज आज करना है वर्क में। To fight, three plus two. We start from number three. Then jump two numbers to the right. Then see the number where we start. This number is the sum. Here we stop at number five. Therefore, three plus two. Equals five. You get it right? Now, let's take another example. Let's find four plus five. We start from number four. Then, jump five numbers to the right. Then, see the number where we start. This number is the sum. Here, we start at number 9. Therefore, 4 plus 5 equals 9. You understand, right? Now, let's get some practice. Task 1. Find the sum using the number line. 1 plus 3, 2 plus 4, 5 plus 3, 6 plus 4. To do this task, download the worksheet below and print a copy. Then try to do it on your own. Pause this video while you are doing it. When you finish, replay the video to check the answers with me. Now, let's find the answers together. First, 1 plus 3. We start from number 1. Then jump three numbers to the right. Then see the number where we start. This number is a sum. Here we start at number 4. Therefore, 1 plus 3 equals 4. SST Unit 4, question number 1. क्वेश्चन नंबर वन, नेम सम हार्ड थिंग्स। हार्ड मीन्स सख्त चीज़ें। उन्होंने कहा सम हार्ड थिंग्स, नेम बताएं आप, कुछ सख्त चीज़ों के नेम बताएं। टेबल, चेयर, डोर। उसके अलावा आप खुद भी कुछ खुद से सोचें कि और कौन सी हार्ड थिंग्स होती हैं टेबल, चेयर, डोर के अलावा। अब आप खुद से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आपने लर्न करना है। इस्लामियात पेज 5, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 23, बालों को साफ कैसे रखें? क्या आंसर है इसका? धोकर कंघी करें। क्या आंसर है? धोकर कंघी करें। नाखून क्यों कटवाने चाहिए? ताकि नाखूनों का मैल खाते हुए पेट में ना पड़ जाए। नाखून क्यों कटवाने चाहिए? ताकि नाखूनों का मैल खाते हुए पेट में ना पड़ जाए। इससे क्या होंगे? हम बीमार हो जाएंगे, जरासीम हमारे अंदर चले जाएंगे ना। ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। C
CS GK Unit 3 Question number 1 हमारा न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है. What will you say when you have done your work? अब आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या आंसर करेंगे? I have done my work. क्या कहेंगे? I have done my work. ओके, जीके का क्या आंसर क्वेश्चन है? What is the major source of light? Sun. मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट? सन. तो प्रैक्टिस, वी हैव डन योर डायरी, अच्छे से वर्क करना है आपने फॉर्मेशन के साथ. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.